भेड़ों का झुंड है, इसको यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं? उसको हमारी लोकल भाषा में तो यहाँ छांग बोलते हैं। अच्छा, जिसमें बकरियाँ साथ में होती है, परंतु ये जो भेड़ा ज्यादा है इसलिए उसको हेवड़ बोलते हैं। हेवड़? हाँ। अच्छा, और जो इसको चराते थे उसको हेड़ाऊ बोलते हैं। अच्छा, हेड़ाऊ। हाँ, और इसके चार पांच और प्रायवाची शब्द है, जैसे खिलोरी है, चरागाह है, इसको पशुओं को चराने वाला है, खिलोरी है। आज जो ये हेवड़ चढ़ रही है, जिसको हे हे करके देखो अभी आवाज आ रही है। अच्छा, इसलिए इसको हेवड़ बोलते हैं। और आज इनके जो सर्दी ऋतु चालू हो गई है, अभी जो प्रजनन का जो इनके बच्चे देने का समय है, जो आप ये छोटे छोटे देख रहे हो भेड़। अच्छा, ये सर्दियों में बच्चे देती है साल में दो बार भेड़। अच्छा, जो इसको छोटा होता है इसको घेटिया बोलते हैं। अच्छा, और इसको लोकल भाषा में भेड़ को रेड बोलिया जाता है। अच्छा, इसका वूल होता है। बिल्कुल, जो लोकल जो होता है, जो यहाँ का जो बनावट, जो बरड़ी वगैरह के नौकार वो बनाए जाते हैं, जो पहले के लोग इसको यूज करते थे, जो बहुत ही गर्म होता है। अच्छा, और वो वूल काम आती है, जिसको लोकल भाषा में ऊन बोला जाता है। अच्छा, ऊन बोला जाता है। बोला जाता है, जो लोकल लोग ग्रामीण है वो चरखे हाथ द्वारा इसको काट के इसका धागा बना के और उसको बनाते हैं, उसको लोकार बोलते हैं। अच्छा, जो बहुत गर्म होता है, लोगों के खंधे पे होता है, जो जंगल वगैरह में इनके पीछे जाते हैं उसको यूज करते हैं उड़ने के लिए। आज ये विचरण कर रही है, और धीरे धीरे ये जहाँ भी इलेक्ट्रिक सिटी और ये जो आबादी बढ़ रही है, इसके कारण धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। अच्छा, इसके जैसा अभी आपने बताया कि ये जो खादी के जो भी वस्त्र बनते हैं, उसके अलावा भी इनका क्या काम आता है? जैसे बकरी है तो उसकी देखिए, इसके वूल काम आती है, जिसकी रस्सी बनती है। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं नेंजन, गायों के जब दूध देते उसमें बांधते हैं, और इनकी दूध भी बिकता है। अच्छा, और इनको मार के जो खाते हैं इसका मीट भी बिकता है, इसका मीट बिकता है। और इनकी खाल होती है जिससे जूते बनते हैं। अच्छा, जो मरणोपरांत इसका जो चरम होता है, जी जी, उसका ये जो चमड़ा उसके बनते हैं, जो आज बहुत पॉपुलर है, जो लोग इसके बैग वगैरह, पानी की बोतल, जूती वगैरह बनाते हैं। और मतलब ये मरणोपरांत भी कुछ न कुछ दे जाते हैं। अच्छा, ये पशु। अरे नमस्कार भाई। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल। अच्छा बिलाल भाई, ये भेड़े आपकी है? जी। कितनी भेड़े आपके पास? ये 80। अच्छा, तो इस भेड़ों से आपको क्या क्या मिलता है? जैसे जैसे मेरे भाई ने बताया कि ऊन वगैरह मिलती है, और तो क्या काम आती है? दूध वगैरह या क्या? दूध भी आता है। अच्छा, इसका दूध बढ़िया होता है शरीर के लिए? बिल्कुल बढ़िया होता है। और ये क्या काम आती है? और इसके जो बच्चे होते हैं घेटे वगैरह, उसको बिक्री करते हैं। अच्छा, एक की जैसे अपन को बेचते हैं तो एक की क्या कीमत मिलती है? एक जैसे ये 6,000 है, 7,000 है, 8,000 है, 10,000 भी है, 12,000 भी है, 15,000 है। कीमत कैसे? वजन से लगती है, उम्र से लगती? वजन से, जितना खून होगा उतना। अच्छा, वजन के हिसाब से इसकी मतलब बाजार भाव निकलते हैं। हाँ। तो जैसे अब किसी के पास, जैसे आपके पास अभी कितनी है? ये 80। अच्छा, जैसे मेरे भाई ने बताया कि ये सर्दियों में यह बच्चे मतलब इनके होते हैं। हाँ हाँ। तो इनका क्या, साल में कैसे दो बार बच्चे देते हैं क्या? दो बार देते हैं। कौन कौन से समय में? जैसे कुछ अभी एक तो अभी दे दिया। ठीक है, फिर अभी चौमास आएगा वापिस। अच्छा, अभी आपके पास कितनी है बड़ा? ये 80। अच्छा, बकरियां तो 40-50। अच्छा, बकरियां जैसे इसके बारे में भी इन्होंने बताया, आपने बताया, बकरियों से आपको क्या मिलता है? जैसे इनके बाल होते हैं तो उनका कुछ बनता है, क्या होता है? इनका क्या? नहीं बनता है। पहले तो इनके बनते थे बालों से? पहले बनते थे, अभी कोई बनाता नहीं। बनता तो है, रंडू वगैरह बनता है। अच्छा, रंडू वगैरह बनता है। और इसकी क्या बाजार में आपको क्या कीमत मिल जाती है? कैसे बकरियों की? जैसे ये बकरियों की नहीं, 20 रुपए। नहीं, बकरी के क्या मिलते हैं? मैंने जैसे बकरा होता है ना, बकरे बिक्री करते हैं। वही तो कह रहा हूँ, बकरे का जैसे अभी इसका आप बताया अच्छी वजन है तो 6,000 तक 8,000 तक मिल जाए, तो बकरे का क्या मिलता है? बकरे का भी पैसा नहीं, कितने तक मिल जाता है अंदाजन, रफली? जितना ही बकरे जितने वजन का, वो भी वजन के हिसाब से होता है। तो वजन के अच्छे से अच्छा अगर वजन हो जाए तो कितना वजन होता है एक बकरे में? बढ़िया से बढ़िया वजन हो जाए तो एक हमारे यहाँ बकरे का वजन होगा 15-20। अब मुझे ये बताओ, जैसलमेर में कौन सी जगह पर अच्छी भेड़े और बकरे होते हैं? जैसलमेर में जहाँ खाने को बढ़िया चारा वगैरह मिल जाए। तो सर आगे तो है ही नहीं, जैसे अपने सम है तो उधर रेत वाले में घास बढ़िया मिलती है, या आपके यहाँ पथरीली जमीन में मिलती है? हमारे यहाँ जितना का है उतना घास होता है। तो अपने इस इलाके में कौन सी जगह अच्छी भेड़े और बकरियाँ मिलती है? इधर ही सम के साइड, इधर
अच्छा, ज्यादा से ज्यादा वजन में कितने बड़े वजन का घेटा हो सकता है? घेटा लगभग 20-21 जैसे ये 20 किलो का ये घेटा नहीं, ये 25-26 अच्छा ये वाला 25-26 का है। अच्छा अच्छा, तो ये तो अभी बड़ा लग रहा है, उम्र से भी बड़ा नहीं लग रहा है ये? नहीं नहीं, ये 9 साल का है। अच्छा, इसकी उम्र क्या होती है ज्यादा से ज्यादा? इसकी ज्यादा से ज्यादा लगभग हो जाती है 2-3-4 साल। नहीं यूं नहीं, ये उम्र कितनी लेता है जैसे एक भेड़ की उम्र अपने आदमी की, जैसे अपन मानते हैं ना 80-4 साल तक। तो ये तो बड़ा हो गया, कितने साल का आपने बताया? ये 9 साल। तो ये तो बहुत बड़ा है। नहीं, 9 महीने का। अच्छा, 9 महीने का? 9। अच्छा, ये 9 महीने का है, हमने लिया है। अच्छा, आप फलोदी से 18,000 में लाए हो इसको? जी, तो ये आपके ये जो भेड़ों के साथ इसको छोड़ने के लिए ना, तो ये कोई नस्ल होती है आपके यहाँ पर, इसमें कोई ऐसे नाम होते हैं नस्लों के? अच्छा, राइक के। और कौन सी होती है? दूसरी वाली नहीं, जैसे इसका आपने आप नाम राइक का बताया, राइक के बताए, तो और भी कोई नाम लेते हैं अपने भेड़ों के वगैरह? अच्छा, देसी है। गणपत भाई, जो ये अभी इसने अमीन ने बताया है कि रिड्डो के बारे में नाम उसने एक बताया राइका, तो इसमें रिड्डो में कौन कौन सी जातियां होती है? एक राइकणी रिड्ड होती है। अच्छा, राइकणी, इसमें क्या कुछ विशेष पहचान होती है? इसकी पहचान होती है लंबी पूंछ होती है, लंबे कान होते हैं। अच्छा, भेड़ भी लंबी होती है। अच्छा, राइकणी ये कहाँ पर ज्यादातर? ज्यादा पर बाड़मेर जिले में पड़ती है अपने। अच्छा, बाड़मेर में, उसको राइकण बोलते हैं। और दूसरी कैसी होती है? दूसरी होती है वो राजस्थानी भेड़ होती, जो अपने यहीं की देसी कहती है। तो उसमें क्या पहचान होती है? उसमें ये छोटे मोटे कान होते हैं उनके। अच्छा, बराबर। हाँ, और छोटी पूंछ होती है। अच्छा, और लंबी नहीं होती, नाक बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और थल रिड होती है। थल क्या होता है? थल की उसकी कान भी इससे उस डिजाइन के अलग अलग होती है। अच्छा, थल की जो कौन सा इलाके को अपन थल कहते हैं? थल कहते हैं वो अपने इस साइड में जो अपन बोलते हैं खडाल। अच्छा, इसकी अलग भेड़ होती है। अलग इन तीनों में कौन सी भेड़ बढ़िया होती है? राइकण जो बाड़मेर से आपने अभी बताया, तो इसका जैसे उन्होंने बताया कि दूध का बताया कि दूध अच्छा होता है इसका, और अच्छा। हाँ, तो दूध का क्या? किसी हड्डी टूट जाए। अच्छा, मालिश करने से इसकी बहुत गुणकार होता है। बहुत बहुत बढ़िया। और इसके किसी समय में कहते थे ऊँट वगैरह को भी इसका मांस खिलाते थे, ऐसा कुछ था? इसको इससे ऊँट का नहीं खिलाते थे। नहीं, कहते थे जो ऊँट जो मजबूत पॉकेट ऊँट होते थे ना, उनको इसके गले में इनका पॉकेट को खिलाते थे। वो कुछ ही, अब तो ऐसा नहीं होता है? नहीं, अभी नहीं है, अभी कौन, ये ऊँट भी कम रखते हैं लोग अभी तो। अच्छा, पहले ऊँटों पे काम था। अच्छा, खेती करनी पड़ती थी ऊँटों पे। आपके पास भेड़े वगैरह है क्या? हाँ, मेरे पास है। कितनी भेड़े है? मेरे पास 100 बकरी है। 100 बकरी भेड़ 25-30 बकरी। अच्छा, और आपके पास जो ये बकरी है इसमें कौन सी नस्ल है? बकरी तो अपनी बकरी की नस्ल मेरे को मालूम नहीं। चलो, कोई बात नहीं। और फिर इसका आपका बाजार कैसे होता है? क्या मतलब जैसे कभी बेचना होता है तो किस तरह से आप बेचते हो? बेचते तो व्यापारी आता है। हाँ, यही आ जाता है सामने? हाँ, यही आते जाते सामने। तो जैसे क्या मिल जाती कीमत? जैसे बकरे का जैसे जितने वजन होता है उतने पैसे होते हैं। अच्छा, वजन के हिसाब से पैसे होते हैं। तो अच्छे से अच्छा, जैसे आपको आज तक कितना बढ़िया वजन का पैसा मिला? 6-7 हजार रूपए तक मिल जाता है। और भेड़ में अच्छे से अच्छा? भेड़ 8-9 हजार रूपए में। अच्छा, भेड़ का ज्यादा पैसे क्यों मिलता है? क्यों, ये बहुत बार जाता है जम्मू कश्मीर में। अच्छा, वहाँ जाता है। तो आप साल में, जैसे वो हमारा बिलाल भाई है आप है, तो साल में कितनी भेड़ों का बेचान कर देते हैं? हो जाता है 50-60 हजार का हो जाता है। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल। अच्छी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अभी जो इस बिलाल भाई ने और अमीन ने जो बताया है भेड़ों के बारे में, तो जैसे भेड़ की जो दूध होता है ना, ये खाने पीने में तो ग्रामीण लोग काम लेते हैं, बाकी इसकी जो दूध है वो मालिश में, और जहाँ पे हड्डी ब्रोकन होती है या सूजन आती है तो उसको इसके दूध की मालिश की जाती है। विशेषकर लोग आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में मांगने के लिए इनसे, और ये दूध एज ए मेडिसिन का काम करता है। जो आज उसकी मेडिसिन दवाई बन गई है, पेन किलर ट्यूबे वगैरह आती है, पहले इसी का यूज किया जाता था। तो और जो इसके ऊपर मलाई आती है जिसको थर बोलते हैं, उसकी मालिश करने से, और इसको दूध का जो एक कपास जिसको रुई बोलते हैं उसका फोए बना के, और उसके जो आज जिसको अपन गोज बोलते हैं, पट्टी करते हैं बैंडेड,
वो लगा के और सूती कपड़े से गलने से बांध के जो इसका रात भर सेक किया जाता था, बांधते थे, तो उससे सूजन कम होती थी और दर्द कम होता था। आज के समय में बाजार में कई बार हम देखते हैं गरीड के दूध का, तो उनको मिलता ही नहीं है। तो मिलता नहीं है, जो आज एक डेंगू चल रहा है बुखार। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि बकरी और रेड का दूध पियो तो आपकी प्लेटें ऊपर नीचे हो जाएगी, आज जो सुनने मारा है, तो ये वही है, इनमें बहुत ताकत होती है दूध में। अच्छा, तो ये मतलब एक इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बॉडी को विल पावर करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है आलोक भाई, कि जो ये देखो घास है कितनी छोटी इस पत्थरों के बीच में, उसको भी ये खाते हैं। अब इसको खा करके ये अपना गुजारा करते हैं, तो इसमें एक औषधीय तो है ही। औषधीय, ये सब चीज औषधीय है समझने वालों के लिए, नहीं तो घास है। बिल्कुल, आपकी बात एक बहुत मुझे अच्छी लगी, समझो तो ये औषधीय वरना ये घास है, मानो तो गंगा है नहीं तो बहता पानी। बिल्कुल, ये सब हमारी जो प्राचीन लोग थे वो इस बारे में काफी कुछ जानकारियां रखते थे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।